नमस्कार, न्यूज फ्लैश में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। एशियल ग्रीन सिटी में अजब नज़ारा देखने को मिला। एशियल ग्रीन सिटी में दोसा रत्न अवार्ड शो का आयोजन किया गया था। इस दौरान एशियल ग्रीन सिटी में रहने वाले वासिंदों का गुस्सा फूट पड़ा। वासिंदे कार्यक्रम के ठीक पहले शांतिपूर्वक धरने पर बैठ गए। उन्होंने आरोप लगाया कि जब ये सोसाइटी बनी तो लोगों को यहाँ सब्जबाग दिखाते हुए फ्लैट और विला बेचे गए। आरोप लगाए कि 2014-15 के आसपास लोगों का फ्लैट और विला बेचे गए तो उनके सोसाइटी के मालिक ने वादे किए कि यहाँ रहने वाले वासिंदों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाई जाएगी। पीने का मीठा पानी, बढ़िया सड़कें, हरियाली के साथ पेड़ पौधे युक्त बेहतर पार्क की व्यवस्था होगी। लेकिन सर छुपाने के लिए जमा पूंजी खर्च कर अब वो लोग ठगा सा महसूस कर रहे हैं। एशियल ग्रीन सिटी के वासिंदे नवीन जोशी ने कहा कि यहाँ आने वाले को पानी तो नीम से भी कड़वा है। बच्चों तक के सर के बाल इस पानी से झड़ने लगे हैं, बाल सफ़ेद हो गए हैं। हमने अपने सपने साकार करने और सर छुपाने के लिए सारी जमा पूंजी खर्च कर यहाँ विला खरीदा था, मगर अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। सोसाइटी को भी इस मामले में कई बार अवगत करवाया जा चुका, मगर कोई ध्यान नहीं देता। ग्रीन सिटी में चाहे जब इस तरह का आयोजन होते रहते हैं, जिसके चलते ध्वनि प्रदूषण भी होता है, जिससे यहाँ रहने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे देखकर अब यही कहावत कही जा सकती है कि घर के भूत कुंवारे डोले और पड़ोसियों के फेरे। अच्छा, क्या पूरा मामला है? ये पूरा मामला ऐसा है जी, यहाँ पे ये जब सोसाइटी बनी थी 2014-15 के आसपास, जब लोगों को यहाँ पे फ्लैट बेच ये विला बेचे गए, फ्लैट बेचे गए, लोगों को ये बोला गया था कि हम लोग आपको जो बढ़िया से बढ़िया सुविधा होती है, जैसे कि आपको पीने का पानी, आपको बढ़िया सड़कें, आपको ग्रीनरी, अच्छा खासा पेड़ पौधा मिलेगा, बच्चों के लिए बढ़िया पार्क मिलेंगे और आप एकदम एक अच्छा जीवन बिताओगे अपना जीवन का यहाँ पे, अगर आप हमारे यहाँ पे आके रहोगे तो। हम लोगों ने जो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके सब एक मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं, सब ने अपनी जमा पूंजी कैसे तैसे इकट्ठी करी, कैसे तैसे लोन लिया और हम लोगों ने यहाँ पे आके अपना मकान लिया। मकान आने के बाद में जब हम लोग यहाँ आए तो हमें ऐसा ठगा सा महसूस, हम लोगों को अपने आप को लगा कि हम लोग ठगा आ गए, क्योंकि पीने के पानी के नाम पर इतना खारा पानी आता है कि उससे अच्छा नीम का पानी अच्छा है, वो ज़्यादा बढ़िया लगता है मीठे में। इसके अलावा सड़कों पे घूमना, आपको आगे जैसे आप सड़कों पे घूमते हो तो आपका क्या नाम से साफ सफाई की सुविधा नहीं है। थोड़ा सा अगर आप आगे जाके देखोगे तो वहाँ पे सीवर लाइन विला के बिल्कुल बगल में खोली हुई है, जिसकी बदबू और दुर्गंध से सारे लोग परेशान हो जाते हैं शाम के टाइम पे जब हवा चलती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस सोसाइटी के अंदर जिन लोगों को ये वादा किया गया था कि आपका जो मेंटेनेंस चार्ज वगैरह जो भी होगा जब जाके चालू करा जाएगा, जब हम आपको पूरी सुविधा दे देंगे। उन लोगों ने शुरू में मकान लिया, जब मेंटेनेंस चार्ज दे दिया, उसके बाद में ना उनके आगे सड़कें बनी आज तक, ना उनका सीवर की कोई प्रॉब्लम उनकी सोल्व हुई, ना उनको पानी की समस्या सोल्व हुई। उसके बाद में उनको नोटिस पर नोटिस दिए जाते हैं कि आप लोग अपना पैसा जमा कराओ नहीं हम आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। हर वासिंदा जो यहाँ पे एसीएल के अंदर रहता है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हम लोगों ने 2-4 बार इन लोगों से पर्सनली आके मिलने की भी कोशिश करी। एक बार तो हमको धक्का मुक्की देके गार्डों के द्वारा भगा दिया गया, हमारे साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद में इन्होंने बोला कि जो समस्या आती है आप लोग 1-2 जने आते हो, आप लोगों को समस्या और किसी को समस्या है नहीं। तो हम सारे के सारे कॉलोनी वासी जो भी एसीएल सिटी के अंदर रहते हैं सबने एक मत एक राय होकर ये निर्णय लिया कि हम लोग इस संडे को हम लोग अपना ये वाला कार्यक्रम करेंगे और हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे शांतिपूर्ण तरीके से, जो कि हम शांतिपूर्ण तरीके से सुबह से कर रहे हैं, धूप में गर्मी में बैठे हुए हैं, सिर्फ अपनी मांगों को लेकर। हमारा किसी से कोई हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमको किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हमें तो जो सुविधाएं बोली गई वो सुविधाएं प्रदान करा दो, हमें इसके अलावा ना किसी से इनसे नाराजगी ना इसके अलावा से नाराजगी। नाम बता दो। नवीन कुमार जोशी।